हम लोग पिछले क्लास में देखे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने बताया था कि FPS सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, तीसरा MKS सिस्टम और चौथा SI सिस्टम। हम लोग अलग अलग सिस्टम में नंबर ऑफ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे कि कितना होता है और उसका यूनिट क्या है। तो हम लोग देखें इसको, हम लोग एक टेबल बनाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही टेबल में सारा आ जाएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट, एफ, ठीक है ना भी, एफ पी एस सिस्टम। सिस्टम लिख लिया हमने और फिजिकल क्वांटिटी, FPS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, तीसरा MKS सिस्टम। इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, लेंथ का यूनिट फुट, मास का यूनिट पौंड और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इसमें हम लोग लेंथ का यूनिट की बात करें, फुट लिखेंगे, मास का पौंड, टाइम का सेकेंड। CGS सिस्टम में वही लेंथ, मास, टाइम। इस लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड। हम लोग अगर देखें MKS सिस्टम में तो वही तीन हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम। इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये हमारा यूनिट है
लेंथ का यूनिट फुट, मास का यूनिट पौंड, टाइम का यूनिट सेकंड। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड। और एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो इस तरह से हमने एक टेबल बना दिया और इस टेबल में हमने इसलिए इसको रखा कि चूंकि ये जो एफपीएस सिस्टम है या सीजीएस सिस्टम है या एमकेएस सिस्टम है, इन तीनों ही सिस्टम में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो मात्र तीन है, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। तो ये हमारा तीन। एक अगला जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारा एसआई यूनिट है, और एसआई यूनिट में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या है वो तीन नहीं, सात हो चुका है। तो हम लोग देखें उसको। हम लोगों का जो अगला सिस्टम है वो एसआई यूनिट। इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या सात हो गई है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये इसका यूनिट, लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस लेंथ का यूनिट जो लिया गया एसआई सिस्टम में वो लिया गया मीटर, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का लिया गया किलोग्राम, केजी। टाइम का सेकेंड, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। इस एसआई सिस्टम में सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो चुका, और सातों का ही हमारा यूनिट जो लिया गया इसके सामने हमने लिखने का प्रयास किया है, आप इसको देख लेंगे। एसआई का फुल फॉर्म, अगर कोई पूछे कि एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंच वर्ड में, फ्रेंच लैंग्वेज में
इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है सिस्टमे इंटरनेशनले डे यूनिट्स, सिस्टमे इंटरनेशनले डे यूनिट्स, हम इसको लिख देते हैं सिस्टमे इंटरनेशनले डे यूनिट। ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, नॉट इंडियन लैंग्वेज। और इस एसआई सिस्टम का फ्रेंच लैंग्वेज में जो फुल फॉर्म है सिस्टमे इंटरनेशनले डे यूनिट, ये इसका मतलब होता है। हम लोग को आगे जो है इसमें दो और फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया। ये जो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया वो दो का नाम रखा गया, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। ये तो फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको बोला गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग इसके अलावा देर आर टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में ये सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा इस सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और जो दो है उसका नाम लिखेंगे और उसका यूनिट भी लिखेंगे। तो उसका नाम क्या है, तो पहला हम लोग लिखेंगे प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट एस्टे रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का एस्टे रेडियन। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, अब तक जो आपने पढ़ा है आज तक कि कोई भी आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो प्लेन एंगल होता है, अभी तक आप जानते हैं। सॉलिड एंगल के बारे में आप नहीं पढ़े हैं, सॉलिड एंगल आगे पढ़ना है, जब आगे चैप्टर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी सिर्फ नाम जान लीजिए कि प्लेन एंगल के अलावा एक सॉलिड एंगल भी होता है। प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन का मेजरमेंट लेते हैं हम लोग, और सॉलिड एंगल का मेजरमेंट अस्टे रेडियन में होता है। इसका मतलब कि प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन लेंगे और सॉलिड एंगल का यूनिट अस्टे रेडियन लेंगे। रेडियन और डिग्री में संबंध है, 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं, एक कन्वर्जन है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ये एक फॉर्मूला है,
180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो इसकी बात हम आगे करेंगे, खास करके आप तो प्लेन एंगल अभी तक 10th क्लास तक आपने खूब पढ़ा होगा ज्योमेट्री में खास करके, लेकिन सॉलिड एंगल आपने नहीं पढ़ा होगा। तो सॉलिड एंगल नहीं पढ़ा होगा, हम इसको आगे जो फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा उसको हम बता देंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज़ है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डायमेंशन की बात करते हैं कि डायमेंशन किसको कहते हैं। ऐसे ये 1 मीटर जो है, ये किलोग्राम, सेकेंड, इन सारे को डिफाइन किया है। 1 मीटर किसको कहेंगे, 1 किलोग्राम किसको बोलेंगे, 1 सेकेंड किसको बोलेंगे, 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, 1 कैंडेला किसको बोलेंगे, 1 केल्विन किसको बोलेंगे और 1 मोल किसको बोलेंगे। इस सारे का डिफिनीशन दिया हुआ है। अभी फिलहाल जो आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज के बेस पे इन सारे जो यूनिट्स है इसको थोड़ा समझ पाना मुश्किल है आपके लिए। तो आप क्या कीजिए, सिंपल सी बात है कि आप इसका जो है डिफिनीशन जो है वो आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की किताब में इसका डिफिनीशन दिया हुआ है। अगर दिक्कत होगा ही, मुझे मालूम है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी बातें आपको समझ में जब आएगी तब इसको डिफाइन करना हमारे लिए आसान होगा और आपको समझने के लिए भी आसान होगा। तो इसको फिलहाल हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, हम लोग आगे के चैप्टर्स में जैसे जैसे टर्म आएगा, क्योंकि उस वक्त तक आपकी पढ़ाई भी कुछ हो जाएगी और आपका समझने का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम डिफिनीशन को लिख दें, डिफाइन भी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो समझने का दायरा है वो उस लेवल पे नहीं आया है। एनीवे, तो हम इसको क्विट करते हैं, इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो वो टॉपिक जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो डायमेंशन है। एक नया टर्म है डायमेंशन, इससे हम लोग परिचित होते हैं कि डायमेंशन है क्या, क्योंकि जस्ट आप लोग 10th पास करके 11th में आए हैं तो डायमेंशन आपके लिए एकदम नया वर्ड है, लेकिन बहुत ही आसान वर्ड है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, जिसको हिंदी में बीमा कहते हैं, हिंदी में इसको बीमा बोलते हैं, और यूनिट को हिंदी में मात्रक बोलते थे। डायमेंशन, पहले हम लोग समझें उसके बाद हो जाएगा। इसे स्पीड है, स्पीड स्पीड इक्वल, आप बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, आप पढ़े हैं इसको बड़ा सिंपल तरीके से, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बटा टाइम, दूरी बटा गति बराबर दूरी बटा समय, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो कि स्पीड जो है वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड क्या है हमारा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें हमको 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ी है, और एक है डिस्टेंस जो कि लेंथ है, और दूसरा जो है वो टाइम है। तो डिस्टेंस को हम लोग लेंथ कहते हैं, और जब लेंथ है
तो इस लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ का जो रिप्रेजेंटेशन है, डायमेंशन है, वो कैपिटल एल है, और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और टाइम को फिर हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं, और इसको भी ये कन्वेंशन है कि आप टी लिख के नहीं छोड़ेंगे, इसको इस स्क्वायर के अंदर बंद करना ही पड़ेगा और तब ये सही से लिखाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब लेंथ और लेंथ का मतलब एल लिख दिया, और टी टाइम का मतलब हमने कैपिटल टी लिखा और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अब इसको आप देखोगे तो इसको लिख सकते एल टी, और टी जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पावर वन है, तो ऊपर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ देख करके लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या लिखेंगे, तो यूनिट अगर लिखने की बात हो तो लिखेंगे मीटर, लेंथ के लिए मीटर, और टाइम के लिए क्या लिख देंगे, सेकेंड, और पावर क्या है भाई, माइनस वन। ये मीटर प्रति सेकेंड, इसको आप ये भी लिख सकते हैं या मीटर प्रति सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को जानने के लिए, यूनिट को जानने के लिए ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसको कुछ पावर से उठाना पड़ता है। पावर से उठाना पड़ता है मतलब एल का पावर वन है और टी का पावर माइनस वन है। यही जो पावर्स है, यही जो है इस स्पीड का डायमेंशन कहलाएगा। मतलब स्पीड का डायमेंशन आपसे अगर कोई पूछता है तो आप सीधा कहेंगे कि एल पावर वन, टी पावर माइनस वन, एल पावर वन, टी पावर माइनस वन, ये स्पीड का डायमेंशन हुआ। तो डायमेंशन को हम लोग डिफाइन कर दें। डायमेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे, बस इसको देख लिए कि किसी भी किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को जानने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कुछ पावर से रेज करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। यही जो पावर्स है वो इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है। यानी डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं यूनिट को जानने के लिए कि यूनिट क्या है। अब जब यूनिट जान जाएंगे मतलब, तो बिना डायमेंशन के यूनिट लिखना बड़ा मुश्किल टास्क है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं बड़ा ही सिंपल तरीके से। टू नो यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड बाय सम पावर्स, दीज पावर्स आर नोन एज डायमेंशन ऑफ
दैट फिजिकल क्वांटिटी. लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? तो एल होगा. फॉर एग्जाम्पल सब काम लिखते हैं 10-20 लेंथ, तो लेंथ को डायमेंशन क्या लिखेंगे? तो लेंथ का डायमेंशन जो होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में एल लिखेंगे. मास का डायमेंशन क्या होगा? तो मास का डायमेंशन जो हमारा होगा वो कैपिटल एम होगा. इसको याद रखेंगे, ये कन्वेंशन है, लिखने का तरीका है. ये एल लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, एल लिख करके छोड़ नहीं देंगे. वो फिर डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो कुछ और रिप्रेजेंटेशन करना शुरू कर देगा. तो जो तरीका लिखने का है उसको हमको याद करना पड़ता है कि लेंथ का डायमेंशन एल होता है, मास का डायमेंशन एम होता है, टाइम का डायमेंशन टी लिखेंगे. ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को लिख रहे थे हम लोग. कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के भी डायमेंशन को लिखें. देखिए हम लोग लिखते हैं बड़ा सिंपल तरीके से. ये हमारा स्पीड था, वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था. स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ चाहिए और टाइम चाहिए. उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं. मोमेंटम राइट डाउन, हम लोग एक क्वेश्चन लिख लें ज्यादा अच्छा रहेगा. राइट डाउन डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी. पहला मोमेंटम, दूसरा एक्सीलरेशन, तीसरा फोर्स, चौथा प्रेशर, पांचवा एरिया, छठा वॉल्यूम, सातवा डेंसिटी, आठवा टॉर्क, नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम,
हम लोग इतना देखते हैं, उसके बाद आगे भी बहुत सारा, चूँकि फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा डिराइव्ड है वो सारा का सारा डिराइव्ड ही है। हमारे पास फंडामेंटल की संख्या 7 है, 7 के अलावा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा आपको वो डिराइव्ड ही मिलेगा। तो जैसे जैसे और भी चैप्टर्स आएगा ना, उस चैप्टर्स में हम लोग इसको देख लेंगे। देखो पहला जो है मोमेंटम है, पहला जो है वो मोमेंटम है। मोमेंटम को यूनिट भी लिखना है इसका और इसका डायमेंशन भी लिखना है। तो मोमेंटम आप पढ़े होंगे कि मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी तो फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आ गया, तो उसको भी हम लोग फंडामेंटल में लिखेंगे। इसको लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी को लिखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो मोमेंटम को हम लिख दिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, ये भी हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ होता है, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ये टाइम ये भी हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मींस मोमेंटम को सबसे पहला काम क्या किए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिख दिया। अब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन को लिखे, तो ये मास का हो जाएगा कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा लेंथ, और टाइम का हो जाएगा कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट। इसको लिखिएगा तो ये ऊपर जाएगा एम एल टी माइनस वन, एम पावर वन, एल पावर वन, और टी पावर कितना माइनस वन। तो जब हम मास का डायमेंशन लिखे, लेंथ का डायमेंशन लिखे, और टाइम का डायमेंशन लिखे, और जब इसको हम एक प्रॉपर वे में लिखा, तो ये डायमेंशन किसका मिल गया, मोमेंटम का मिल गया। मतलब मोमेंटम का डायमेंशन अगर आपसे कोई कहता है क्या होगा, तो एम एल टी माइनस वन। एम का मतलब मास, मास का पावर वन, लेंथ का पावर वन, और टाइम का पावर कितना माइनस वन। तो बड़ा ही सिंपल है डायमेंशन लिखना। अब डायमेंशन तो लिख दिए, अब इसका क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। मास का यूनिट किलोग्राम, केजी लिख दिया। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर लिख दिया। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो सेकेंड लिख दिया। और जब माइनस वन पावर है तो माइनस वन लिख दिया। इसी को लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया भाई, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जब डायमेंशन लिख लिए तो यूनिट लिखना कितना आसान हो गया। मतलब डायमेंशन अगर आप जानते हैं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को आप बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। हम लोगों का दूसरा जो सवाल है वो एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन क्या होता है, पहले इसके फॉर्मूला को समझेंगे, और जब फॉर्मूला जान जाएंगे तो फिर इसको भी हम लोग डायमेंशन बड़ा सिंपल लिख देंगे। तो हम दूसरा लिखते हैं, वह है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बटा टाइम। अभी आप इतना ही पढ़िए, आगे जो चैप्टर आएगा ना तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, इतना छोटा बात नहीं पढ़ना है। वो रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे
डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, बहुत ही डीप स्टडी करनी है। ये तो सिर्फ हम लोग एक चूंकि यूनिट डायमेंशन में पढ़ना है तो फॉर्मूला सिंपल लिखे और काम चला रहे हैं। तो ये वेलोसिटी बटा टाइम, और वेलोसिटी तो हमारा डिराइव्ड है, टाइम तो फंडामेंटल है, तो वेलोसिटी को जस्ट लिखे थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और ये वेलोसिटी के लिख दिया डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, और ये फिर नीचे हमारा टाइम तो डिनोमिनेटर में पहले से था, इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप कि डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो लेंथ लिखेंगे इसको, लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन टी लिखा जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा भाई, टू हो जाएगा। इसको आप ऊपर ले जाओ तो एल टी पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू। अब देखो भाई एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू, इसका यूनिट की बात करें तो लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, पावर कितना माइनस टू मीटर प्रति सेकेंड। ये डायमेंशन को कहीं कहीं और भी लोग लिखता है, इसको आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एम जीरो एल टी माइनस टू। एम जीरो किसी भी चीज़ का पावर जीरो कितना, वन होता है, तो ये रहे लिखा हुआ या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता है तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से आ गया ये और ये अलग अलग चीज़ है, नहीं ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ ये दोनों एक ही चीज़ है, ये कोई अलग कोई डिफरेंस नहीं है। मास का डायमेंशन जीरो, लेंथ का डायमेंशन वन, टाइम का डायमेंशन माइनस टू, यहाँ भी वही चीज़ है, मास का डायमेंशन मास है, लिखा ही नहीं है, अगर लिखा भी है नीचे वाले में तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वही चीज़ है, हम लोग एक्सेलरेशन की बात किए, आगे फोर्स है, फोर्स को कैसे लिखेंगे जरा इसको समझें। फोर्स जो है इस फोर्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, बड़ा ही आसान पढ़ते थे, मास गुने एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास तो हमारा फंडामेंटल है, लेकिन एक्सीलरेशन फंडामेंटल नहीं है, तो जस्ट एक्सीलरेशन का निकाले हैं अभी हम, तो हम लोग लिख देंगे क्या दिक्कत, मास के लिए कैपिटल एम लिख देंगे, और एक्सीलरेशन के जस्ट अभी लिखे हैं आप उसको देखिए ढंग से, तो एक्सीलरेशन का लिखा था हमने एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू जस्ट अभी लिखा था हमने, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू। ये क्या हो गया भाई, फोर्स का डायमेंशन हो गया, मास के पावर वन है, लेंथ का पावर वन है, और टाइम का पावर माइनस टू है। तो कहने का सिंपल मतलब कि फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो मास के टर्म में वन, लेंथ के टर्म में माइनस प्लस वन, और टाइम के टर्म में कितना माइनस टू। अब आप उसको देख करके यूनिट लिख सकते, बड़ा सिंपल तरीके से, यूनिट क्या हो जाएगा भाई, तो यूनिट लिख देंगे क्या प्रॉब्लम, देखिए क्या हो जाएगा, मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट
मीटर, और टाइम क्या यूनिट, सेकेंड, पावर कितना -2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया, जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। न्यूटन साहब ने बहुत ही फिजिक्स के क्षेत्र में काम किया, इसलिए उनको ऑनर देने के लिए उनके रिस्पेक्ट में लोग जो है वो फोर्स का यूनिट ही न्यूटन बोलते हैं। तो इतना कोई बोले किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या कोई न्यूटन बोलता है तो न्यूटन ही बोलता है, बात वही है। और न्यूटन न्यूटन लिखते वक्त सावधानी यह देना है कि यह कैपिटल एन नहीं होगा, जब भी होगा तो न्यूटन स्मॉल एन से होगा। तो आप कहेंगे कि नाम को तो हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, बात सही है कि नाम को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यूनिट लिख रहे हैं भाई, नाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है कि न्यूटन साहब के नाम पे यूनिट आया है, तो यहाँ पे जो यूनिट लिखेंगे यूनिट लिखते वक्त यहाँ पे एन जो होगा वो स्मॉल होगा ना कि कैपिटल होगा, इस बात को ध्यान रख। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के ऑनर में उसका यूनिट के फॉर उसका नाम अगर उसके लिए यूज किया जा रहा है तो वहाँ यूनिट लिखते वक्त आप याद रखेंगे कि कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे, एक कन्वेंशन है। अगर हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं तो यहाँ पे कट करके नंबर 0 मिल जाएगा, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत ही सिंपल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम लोग बात करते हैं किसका भाई, तो प्रेशर का। प्रेशर का यूनिट देखिए कैसे निकालेंगे, प्रेशर का डायमेंशन पहले निकालेंगे और तब फिर जो है हम लोग यूनिट निकालेंगे। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का तो जस्ट अभी निकाले हुए हैं, एम एल टी माइनस टू, फोर्स का लिख देंगे एम एल टी माइनस टू। अब आ गई बात एरिया का, तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारा ये तो है ही लेल, और ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है ना भाई, तो क्या लिख देंगे इसको, एम एल टी माइनस टू, और नीचे इसको लिखेंगे एल पावर टू। स्क्वायर नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे एल पावर टू बोलेंगे, एल स्क्वायर बोलिएगा बोलना गलत बात है, क्यों, क्योंकि बोलने का इसका तरीका ही एल टू बोलते हैं, एल टू कभी भी एल स्क्वायर नहीं बोलेंगे। ये लग रहा है कि एल स्क्वायर है लेकिन बोलने का तरीका यहाँ पे होगा एल पावर टू बोलेंगे, एल स्क्वायर नहीं बोल देंगे। तो इसको आप रीअरेंज कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ये आ जाएगा इसका एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। हम इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका इसको भी जो है एक साइंटिस्ट के ऑनर में जो है वो लिखा गया इसके यूनिट को, और वो पास्कल लिखा गया, पास्कल। यहाँ जब पास्कल लिखेंगे तो फिर स्मॉल का यूज करेंगे। पास्कल,
जिसको पीए बोलते हैं। ये हमारा प्रेशर की बात हो गई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिख करके, और तब जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को लिख के कंबाइंड कर दे रहे हैं, तो किसका हमको मिल जा रहा है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मिल जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशन लिख ले रहे हैं, और जब डायमेंशन लिख ले रहे हैं तो यूनिट भी लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान पड़ जा रहा है, ऐसा उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला जो हमारा सवाल है वो एरिया है। तो एरिया के लिए तो अभी जस्ट हम लोग लिखे भी लिख देते हैं इसको। एरिया, एरिया का मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ के लिए कैपिटल एल का यूज करेंगे और ब्रेड्थ के लिए भी कैपिटल एल का यूज करेंगे। ये हो गया एल पावर टू। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है बच्चा, एम जीरो एल टू टी पावर जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई इतना बड़ा बात लिखे, कोई इतना छोटा बात लिखे, दोनों बराबर है। पावर जीरो वन, पावर जीरो वन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट आप निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत? इसका तो यूनिट होगा नहीं, इसका तो होगा नहीं, सिर्फ इसका होगा, तो मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पढ़ें आप बड़ा सिंपल तरीके से। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ के लिए हम लोग कैपिटल एल का यूज कर लेंगे, ब्रेथ भी हमारा डिस्टेंस है, लेंथ है, इसको भी कैपिटल एल का यूज करेंगे, और हाइट भी हमारा लेंथ ही है, इसको भी कैपिटल यूज करेंगे। ये एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल, एल पावर थ्री। इसको लिख सकते हैं एम जीरो एल पावर थ्री टी जीरो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट हो जाएगा मीटर का क्यूब। यूनिट लिखेंगे मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए? तो वॉल्यूम का निकाल लिए। अब आज बचता है डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी को भी निकाल लेंगे हम लोग बड़ा सिंपल तरीके से। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास का तो मालूम है कैपिटल एम होता है, और वॉल्यूम का निकाले हुए हैं एल पावर थ्री होता है, एल पावर थ्री लिख देंगे। ये कितना हो गया? एम एल माइनस थ्री। अब इसको आप यूनिट लिख लीजिए, बड़ा सिंपल हो जाएगा। मास का किलोग्राम, मास का किलोग्राम, और लेंथ का मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा ही सिस्टम की बात कर रहे हैं।